नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट 77 टेक ऑफिशियल में। दोस्तों बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ चुकी है डाक विभाग में, तो इसकी जो समस्त जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, तो 98,083 पद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और सभी स्टेट की दोस्तों यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज रहेगी। पोस्टमैन की यहाँ पे अलग रहेगी, मेल गार्ड की अलग रहेगी, एमटीएस की अलग रहेगी। और रीज़न आप देख सकते हैं, आपको इस वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की अलग इसमें जो है सारी वैकेंसीज हैं, राजस्थान की अलग है, पंजाब की अलग है। आप किसी भी जो रीजन से बिलोंग करते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें पूरी जानकारी के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको तीन पोस्ट देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले पोस्ट आपको है पोस्टमैन की, उसके बाद में है एमटीएस की, और उसके बाद में है मेल गार्ड की, जिनकी जो अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे रहेगी। और कुछ लोग हैं जो जिनको मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ भाई मेरे से पूछते हैं कि सर इसके अंदर RSCIT जो है इसमें ज़रूरी है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्टमैन जो ये एक जो पोस्ट है यहाँ पे, इसके अंदर जो आपको RSCIT की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल आराम से। दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आपकी जो पोस्टमैन के अंदर है जो आपकी 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए, MTS के अंदर है 10वीं 12वीं और RSCIT आपकी जो क्लियर होनी चाहिए, या अन्य कोई डिप्लोमा आपका जो कंप्यूटर रिलेटेड हो वो आपका क्लियर होना चाहिए। और मेल गार्ड के अंदर दोस्तों आपको 10वीं 12वीं और जो RSCIT वगैरह है ये क्लियर होनी चाहिए। एक यही पोस्ट है पोस्टमैन जिसके अंदर जो RSCIT नहीं मांगी गई है। दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट यहाँ पे 18 से 32 वर्ष की रखी गई है। और कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो एज इलेक्शंस आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे SC ST के लिए 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है, OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है, EWS के लिए यहाँ पे कोई भी छूट नहीं है दोस्तों, PWD के लिए यहाँ पे 10 साल की छूट दी गई है, PWD प्लस OBC यहाँ पे 13 वर्ष की छूट दी गई है, PWD प्लस SC ST आपको यहाँ पे 15 वर्ष की छूट दी गई है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं फीस की। जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पे 100 रुपये रखे गए हैं फीस, और SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रहेगी, PWD के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रहेगी। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल सीधी भर्ती है, किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेस पे आपका जो सिलेक्शन हो पाएगा यहाँ पे। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो अभी इसका नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका है, आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को नीचे मिल जाएगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। यहाँ से आप सारी पोस्ट वगैरह आप देख सकते हैं, कितनी पोस्ट कहाँ पे कितनी पोस्ट हैं। तो इसकी जब भी नई डेट आ जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपको नया वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जिसके अंदर आपको अप्लाई करना है। जैसे ही इसके फॉर्म शुरू होते हैं आपको मैं बता दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। इसके अंदर आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, RSCIT, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।